हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी दिनों पहले आप लोगों से बात किया था कि मेरे बाइक पे कुछ कलर में चेंजेस करूँगा। आज वो टाइम आ चुका है, आपको दिखाऊँगा कि कलर कैसे चेंज करें। और ड्यूक का पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख ही चुके होंगे कि मैंने टैंक को कैसे खोला, और टैंक को आप घर पे खोल के आप खुद ये कलर कर सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं और कैसे करते हैं इस वीडियो में, आपको पूरा देखना एंड स्किप मत करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कलर कैसे करते हैं, कलर कैसा है आपको पता चल जाएगा। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए सामने कुछ और अच्छा कंटेंट ला सकूं, इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। चलिए दिखाते हैं कैसे कलर करते हैं। ये वाला स्प्रे कलर मैंने ऑर्डर किया था। ये वाला आप देखो, टेक बॉन्ड का कलर है। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मतलब उसको यूज करके ही मैं आपको बता पाऊंगा कि ये कैसा है। ये ब्लैक कलर में है, शाइनी ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक एक्चुअली। ये लगभग आपका 400 ml का है, 250 ग्राम का। मैंने ये दोनों खरीदा है इधर। फाइनली चलो टैंक को पहले साफ कर लेते हैं। अगर आपने टैंक का जो साइड का काउल है उसको कैसे खोलते हैं आपने नहीं देखा, तो पिछले वीडियो में आप जाओ और देख लो, इसके बाद ये वीडियो शुरू करो। ओके, मच लेटर। फाइनली इसको अच्छे से पोंछ लेता हूँ क्योंकि उसके ऊपर कलर पड़ेगा, तो इसको अच्छे से घिस घिस के मतलब पोंछना है आपको, ताकि मिट्टी वगैरह या डस्ट वगैरह कुछ भी ना रहे। इसको बहुत ही अच्छे से इसको पोंछ लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम डिस्प्ले हो रहा है, वो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। जाओ वहाँ पे और फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। और ये हो गया मतलब बिल्कुल साफ। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको साफ करना है। इसके बाद टैंक का जो स्टिकर्स है वो स्टिकर में मैं स्टिकर नहीं मतलब रिमूव करना चाहता, इसीलिए उसको मैं सेलो टेप से ढक दे रहा हूँ कि वो मतलब स्प्रे कलर है ना, वो खराब ना हो, इसीलिए। इसको पूरा ढक लेते हैं, इसके बाद उसको मतलब पेंट करते हैं। चलो इसको ढक लेते हैं। अभी इसका साइड में थोड़ा पोंछ लेते हैं कि ये डस्ट वगैरह बहुत ही जमा हुआ था। फाइनली ये है स्प्रे कलर। स्प्रे कलर को आपको देना है। इसको आप ऐसे सेक कर लेना, सबसे पहले सेक करने के बाद approximately 10 hours later पहले आपको टैंक के नीचे या फिर साइड पे पेपर लगा देना है, ताकि आपके कलर वगैरह कहीं और ना लग जाए, इसीलिए। बहुत ही अच्छे से आप पेपर वगैरह इसको लगा दीजिए और स्प्रे ऐसे स्प्रे कर दीजिए, मतलब सेक कीजिए उसको और स्प्रे कीजिए। जब तक स्प्रे कीजिए जब तक वो ग्लॉसी ना हो जाए वो जगह पे, मतलब ग्लॉसी होने के बाद ये आप उस जगह को छोड़ देना, क्योंकि बहुत डीप हो, अगर डीप हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए। ये देखो कैसा फिनिशिंग आ रहा है। अभी दूसरे साइड को करते हैं, दूसरा पेपर इसको अच्छे से लगा देते हैं और उसके बाद कलर करते हैं। मतलब आपको पेपर्स बहुत ही अच्छे से लगाना है, क्योंकि
अगर कलर कहीं और लग गया तो मतलब एकदम खराब हो जाएगा पूरा ही, इसीलिए अच्छे से ढक के आप कलर कीजिए, सो वो बहुत ही अच्छा कलर होगा। ये देखो कितना ग्लॉसी, मतलब चमक रहा है एकदम टैंक। और एक बात, आप जब स्प्रे कलर लगाओ तो आपको लैकर का यूज नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे कलर के अंदर ही लैकर का कलर होता है, इसीलिए सो लैकर मत यूज करना बाहर से, वरना आपका कलर जो है वो खराब हो जाएगा। ओके, इसके बाद हैंडल का जो मैंने मोबाइल होल्डर लगाया था उसको खोल लेते हैं, क्योंकि जो हैंडल बार है उसको भी मुझे ब्लैक करना है इसीलिए। सो हैंडल बार का जो मोबाइल होल्डर है उसको खोल लेते हैं सबसे पहले। मैंने ये पूरा हैंडल नहीं खोला, क्योंकि स्प्रे कलर है, बाहर से ही पूरा कलर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये नहीं खोला। तो कैसे कलर करते हैं आप ये देखो, आपको मतलब इस तरह से आपको ढक देना है चारों तरफ, ताकि आपका कलर दूसरी तरफ ना जाए, और उसको स्प्रे कलर करो। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना। यार आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हो, लेकिन लाइक बिना करके ही चले जाते हो, ऐसा मत करना भाई, एक लाइक ज़रूर कर देना। सो फाइनली कलर करके साइड का जो काउल होल्डर है उसको मैंने पूरा लगा चुका हूँ, और ये हैंडल बार आप देखो कितना ग्लॉसी फिनिश हुआ है। और अभी ये साइड का जो पैनल है और काउल है उसको मैं लगा देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल लुक इसका कैसा, मतलब फाइनली लुक इसका कैसा आता है। सो चलो, ये दूसरी तरफ भी मैंने पूरा लगा दिया है, ये देखो अभी साइड का पैनल लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका कलर कैसा है और ओवरऑल बाइक का लुक कैसा आता है। तो एक साइड का मैंने ये काउल लगा दिया है देखो, और हैंडल बार भी आप देखो पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है। मुझे तो ये कलर मतलब ब्लैक करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा। सो गाइज, फाइनली आप ये पूरा लुक देखो कि ये कैसा है, मतलब एकदम टोटली डिफरेंट, एकदम डिफरेंट शेप में आ चुका है मेरा बाइक, जबरदस्त लग रहा है। सो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपका कुछ काम में आए सो मेरे इस वीडियो का एक लाइक ज़रूर कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं आप सब लोगों से अगले वीडियो में कुछ और मॉडिफिकेशंस और कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।